चैनल वंस अगेन, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो दो लिपस्टिक्स को लेके है जो कि सेम ब्रांड की है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ, मैंने जब ये मंगवाया था प्रोडक्ट तो मैंने ये सोचा था कि दोनों ही सेम ब्रांड की है एंड जब ऑफर पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे जब मैंने purple.com से मंगाया तो ये दोनों ही मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज की मिली। एक जो लिपस्टिक है वो 75 रुपीज की थी, दूसरी जो मिली वो मुझे 88 रुपीज की मिली। सो मुझे बस ये देखना था कि इसमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से एक लिपस्टिक 75 में मिल रही है, दूसरी 88 में मिल रही है एट ऑफर पीरियड। अब तो उनका रेट 100 समथिंग का है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आप वहां से इसका प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस जो अभी चल रहा है वो एंड उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो पढ़ सकते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे, ये जो दोनों लिपस्टिक्स मैंने मंगवाई थी वो थी NY बेकी। इसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने अपनी पहले की वीडियो में किया हुआ है, अब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। सो मुझे जो सबसे डिफरेंस, पहली चीज जो इनका आउटर पैकेज देख के ही डिफरेंस पता लगा वो था ये कि एक लिपस्टिक जो 88 रुपीज वाली है वो इस तरह के बॉक्स में आती है और जो 75 रुपीज की थी वो किसी भी तरह के बॉक्स में नहीं थी, बस हाँ ऊपर से सील्ड पैक जरूर थी बट बॉक्स में नहीं थी। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा ये कि ये जो लिपस्टिक है, दिस इज बाय NY बे एंड दिस इज मूडी मेगान 3, शेड पिंक है इसका, नंबर 3 है ये। एंड जो दूसरी मैंने मंगवाई है ये भी पिंक शेड ही है, दिस इज लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल एंड ये जो है इसका जो शेड नंबर है वो 9 है एंड दिस इज विथ आर्गन ऑयल एंड दिस इज सिंपल मैट लिपस्टिक। एंड दोनों ही के रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने जब देखा तो मैंने कहा एक बार खुद ट्राई करते हैं कि कैसे हैं। सो आउटर पैकेज के हिसाब से आई थिंक अगर इसकी बात करें तो ये ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है कंपेरेटिवली इसके। एंड मैं इसको ओपन करती हूँ। सो ओपन करने के बाद ये जो है ये बहुत सुंदर से बहुत स्टाइलिश लुक में आता है जो कि है NY बे का। इसके ऊपर आपका NY बे रनवे लिखा होगा एंड रनवे लिखा है एंड ये बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली इसके ये ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, जो कि 88 रुपीज़ की थी NY बे मैट विद आर्गन ऑयल। सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है कंपेरेटिवली इसके, ये नॉर्मल सी लिपस्टिक लग रही है। दोनों में पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसके अंदर कैसी लिपस्टिक्स हैं। ये इस तरह से ओपन होगा एंड ये शेड है इसका एंड दोनों का शेड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना है ये जो है ये थोड़ा सा लाइट है एंड ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा, बट जब आप इसको अप्लाई करेंगे दोनों ही बहुत अच्छे से अप्लाई होंगे। एंड बस सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इसका कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो लिपस्टिक है ये NY बे की जो सिंपल मैट लिपस्टिक है वो ज़्यादा ग्लॉसी नहीं होगी, ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है ये कंपैरिजन इसके, बिकॉज इसमें आर्गन ऑयल यूज़ किया गया है जो कि आपके लिप्स को नरिश करेगा। जब आप इसको लगाएंगे तो आपके लिप्स ऑटोमेटिकली नरिश्ड होंगे एंड बहुत सुंदर आपका लुक भी आएगा। एंड कई बार ऐसा होता है जब लिपस्टिक लगाते हैं तो फटी फटी सी लगते हैं आपके लिप्स, सो वो चीज़ नहीं होगी अगर आप ये आर्गन ऑयल वाली लेते हैं। एंड मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा एंड और भी एक डिफरेंस ये है कि ये बहुत लाइट शेड है, जब आप इसको लिपस्टिक का लगाते हैं तो ये बहुत लाइट शेड है। तो आपको सपोज कई लोग होते हैं जिनको हैवी लिपस्टिक नहीं पसंद अपने फेस पे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है कि आप हल्के से लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो उसके पर्पज से ये बहुत अच्छी है। ये थोड़ी सी कंपेरिजन में उसके हल्की सी डार्क है, थोड़ा सा भी लगाएंगे तो एक डार्कनेस आती है, आप देख सकते हैं ये कितनी लाइट थी ये कितनी डार्क है कंपेरेटिवली इसके। सो ये जो है ये आई थिंक उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको अपने फेस पे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, एंड ये उन लोगों के लिए जिनको नॉर्मली लिपस्टिक लगाने का ज़्यादा शौक नहीं है या कम लिपस्टिक लगाते हैं जो लोग, ये उनके लिए बहुत अच्छी है एंड ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है इस लिपस्टिक का। एंड पैकेजिंग वाइज आई वुड से दिस इज मच मोर बेटर देन दिस। एंड क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आई बिकॉज इसमें आर्गन ऑयल है, जिसकी वजह से ये जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत क्रीमी सा एक टेक्सचर देता है आपके लिप्स पे। एंड ये जो है ये भी अच्छा है बट दिस इज लाइक समथिंग विच आई वुड रिकमेंड टू बाय इंस्टेड ऑफ दिस।
सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट को लेकर रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।